हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। आवर टुडेज टॉपिक इज पेप्टिक अल्सर। लेट्स बिगिन आवर वीडियो। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट पेप्टिक अल्सर। व्हाट इज पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर इज अ अल्सरेशन और इरोजन इन एनी पार्ट ऑफ जीआईटी ड्यू टू गैस्ट्रिक एसिड और गैस्ट्रिक जूसेस। जीआईटी के किसी भी पार्ट में गैस्ट्रिक जूस एक्सपोजर के कारण अल्सर्स या इरोजन का होना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अब यहां पर अल्सरेशन टर्म को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अल्सर क्या है? मान लीजिए कोई ऑर्गन है, उसकी जो आंतरिक भित्ति है या इनर मेम्ब्रेन है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही है, उस मेम्ब्रेन का किसी रीजन के कारण ब्रेकडाउन हो जाना, उसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाना या फिर वहां पर घाव बन जाना अल्सर कहलाता है। हमारे स्टमक वाले पार्ट में जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं HCl और पेप्सिन, बार बार HCl के और पेप्सिन के कॉन्टेक्ट में आने के कारण वहां की जो इनर लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहां पर एक घाव बन जाता है। इसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर कौन से हैं या मोस्ट कॉमनली पेप्टिक अल्सर कहां पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक और ड्यूडोनल अल्सर्स आर मोस्ट कॉमन। गैस्ट्रिक रीजन में या फिर ड्यूडोनल रीजन के अंदर पाए जाने वाले अल्सर मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर के उदाहरण है। हमारा जो ड्यूडेनम पार्ट होता है वो स्टमक को जेजुनम से कनेक्ट करता है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 5 मीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है और ड्यूडेनम पार्ट की लंबाई अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर्स की इटियोलॉजी की, यानी कारण की, किस कारण से ये होते हैं। हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। यदि किसी पर्सन के अंदर गैस्ट्रिक जूस का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो उस पर्सन के अंदर पेप्टिक अल्सर डेवलप हो सकते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस का हाइपर सिक्रेशन किन कारणों से हो सकता है? पहला, इंक्रीज स्टिम्युलेशन ऑफ वेगस नर्व। यदि किसी पर्सन के अंदर वेगस नर्व बार बार स्टिम्युलेट हो रही है और हम जानते हैं कि वेगस नर्व जब स्टिम्युलेट होती है तो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, तो उसके कारण ये चीज हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो स्टमक में पाई जाने वाली पेराइटल सेल्स होती हैं वो या तो संख्या में बढ़ गई है या फिर उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है, जिसके कारण वो ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करने लग गई है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट होता है इंपेयर म्यूकोजल बैरियर प्रोटेक्शन। हमारे जो जीआईटी के ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के अंदर म्यूकोसल लेयर की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। यदि वो इंपेयर फंक्शनिंग हो जाए, मान लीजिए कि वो प्रॉपर फंक्शन प्रोटेक्शन का ना कर पाए, तो उसके कारण भी पर्सन के अंदर पेप्टिक अल्सर डेवलप हो सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। इस टॉपिक में ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो पे अटेंशन। रिस्क फैक्टर में एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग और कुछ ड्रग्स जैसे कि NSAID, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स एंड स्टीरोइड्स, इनकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर से बचाव हेतु अक्सर कहा जाता है कि NSAIDs और स्टेरॉइड्स को हम भूखे पेट पेशेंट को ना दें। नेक्स्ट है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विच बैक्टीरिया कैन कॉज पेप्टिक अल्सर, तो आपको बताना है पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉज में आएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया
होता है। उसके अलावा यदि पर्सन में फैमिली हिस्ट्री है पेप्टिक अल्सर की तो ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। और ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो भी इस पेप्टिक अल्सर हेतु ससेप्टिबल माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम। क्या है जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम? के अंदर पैंक्रियाटिक आइसलेट्स के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है और इन ट्यूमर से एबनॉर्मली गैस्ट्रिन का सिक्रीशन होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रिन का सिक्रीशन होने लगता है और ज्यादा गैस्ट्रिन की मौजूदगी के कारण ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक जूस का भी सिक्रीशन होता है और इससे पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। जो पर्सन लंबे समय तक सीवियर स्ट्रेस वाली सिचुएशंस को फेस करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसमें भी पेप्टिक अल्सर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाता है। लास्ट आता है कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर का मतलब होता है जब किसी पर्सन के अंदर सीवियर बर्न हो जाए तो उसके कारण अल्सर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। अब बात करेंगे पेप्टिक अल्सर्स के कॉम्प्लिकेशन की। हमने पढ़ा था दो इंपॉर्टेंट टाइप के पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। पहला होता है गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा होता है ड्यूटेनल अल्सर। इनको इनका नाम लोकेशन ऑफ अल्सर के हिसाब से दिया गया है। गैस्ट्रिक अल्सर मोस्टली गैस्ट्रिक रीजन में पाया जाएगा, जिसे आप स्टमक रीजन कह सकते हैं। यहां पर अल्सर होने में पर्सन को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? शार्प पेन इन लेफ्ट ऑफ मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन 30 टू 60 मिनट्स आफ्टर ईटिंग। पहली पॉइंट, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन क्या होता है? आप अपने एब्डोमेन को इमेजिनरी लाइन के द्वारा दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइंस के द्वारा 9 रीजन्स में बांट सकते हैं। तो आपकी जो स्टर्नम बोन है इसका ज़िपोइड प्रोसेस है। ज़िपोइड प्रोसेस से कुछ नीचे ये वाला हिस्सा, इसे हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहेंगे। तो यदि पर्सन के एपिगैस्ट्रिक रीजन से हल्का सा लेफ्ट साइड में खाना खाने से आधे से एक घंटे बाद पेन होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि पर्सन को स्टमक रीजन के अंदर अल्सर्स हुए हैं। ठीक है, शार्प पेन इन लेफ्ट मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन 30 टू 60 मिनट्स आफ्टर ईटिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है हेमटेमेसिस। पर्सन को वॉमिट होगी और वॉमिट के साथ ब्लड भी आएगा, तो ऐसी सिचुएशन को हम हेमटेमेसिस कहेंगे। अब बात करते हैं ड्यूडेनल अल्सर की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ड्यूडेनम पार्ट में अल्सर होना। बर्निंग पेन इन मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन 1.5 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग एंड ड्यूरिंग नाइट। अब यदि किसी पर्सन में ड्यूडेनल अल्सर है, इससे पता करने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है खाना खाने के 1.5 से 3 घंटे बाद पर्सन को बर्निंग पेन होगा, उसको जलन महसूस होगी, दर्द और जलन महसूस होगी, तो आप कह सकते हैं कि पर्सन के ड्यूडेनल वाले हिस्से में, ड्यूडेनम वाले पार्ट में अल्सर्स का फॉर्मेशन हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बात, पेन रिलीव्ड आफ्टर ईटिंग। और जैसे ही वो कुछ खा लेगा तो उसको पेन में रिलीफ महसूस होगा। ठीक है, यहां पर खाना खाने के आधे से एक घंटे बाद पेन हो रहा था एपिगैस्ट्रिक रीजन के हल्का सा लेफ्ट साइड के अंदर, और यहां पर खाना खाने से 1.5 से 3 घंटे बाद, 1.5 से 3 घंटे बाद पेन होगा और पेन रिलीव्ड आफ्टर ईटिंग। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मेलिना प्रेजेंट होगा। मेलिना होता है ब्लैक टैली स्टूल ड्यू टू अपर जीआई ब्लीडिंग। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अपर पार्ट में ब्लीडिंग होने के कारण पर्सन का जो स्टूल होगा ब्लैक टैली कलर का होगा, इसे हम मेलिना कहेंगे। यहां पर वॉमिटिंग हो रही थी जिसमें ब्लड मौजूद था, हिमेटेमेसिस हो रहा था, और यहां पर मेलिना हो रहा है यानी ब्लैक टैली स्टूल पास किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, गैस्ट्रिक
अल्सर की कंडीशन में खाना खाने के आधे से एक घंटे बाद पेन होगा, और ड्यूडोनल अल्सर में खाना खाने के बाद डेढ़ से तीन घंटे के बाद पेन होगा। मोस्टली ये कंडीशन रात को होती है, पर्सन की नींद खराब हो जाएगी, रात को जाग जाएगा, ऐसे कुछ सिम्टम्स आएंगे। अब बात करते हैं अल्सर्स के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की। सबसे पहला हेमरेज, ऑब्वियसली आपने देखा ब्लीडिंग यहां भी है, ब्लीडिंग यहां भी है, तो हेमरेज के कारण हेमरेज होगा, और हेमरेज से जो जो चीजें हो सकती हैं वो सब कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। परफोरेशन, परफोरेशन का मतलब होता है छोटी छोटी स्मॉल ओपनिंग्स का बन जाना, छिद्रित हो जाना हिंदी में कहें तो। जैसे मान लीजिए छलनी होती है, छलनी में बारीक बारीक पोर्स होते हैं जिनसे हम कुछ भी चीज को छानते हैं, उसी तरह से अल्सर वाले रीजन पे परफोरेशन हो जाएगा, छिद्रित हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। हमारा जो स्टमक है, स्टमक और ड्यूडेनम जहां से कनेक्ट होते हैं उस पार्ट को पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्टर वहां पर पाया जाता है। वहां पर फाइबरस स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पाइलोरिक रीजन है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, एक बार फिर से देख लीजिए, हेमरेज, परफोरेशन एंड पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर्स का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कैसे आप बताएंगे कि पर्सन को पेप्टिक अल्सर है। सबसे पहले तो हमने जो साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस किया था, खाना खाने के आधे से एक घंटे बाद दर्द है तो गैस्ट्रिक अल्सर, खाना खाने से डेढ़ से तीन घंटे बाद दर्द है तो ड्यूडेनल अल्सर, इस तरह से सिम्टम के बेस पे आप कहेंगे कि पर्सन को अल्सर्स हो सकते हैं। और कंफर्म करना हो तो आप इसके लिए पर्सन में एंडोस्कोपी करवा सकते हैं। एंडोस्कोपी का भी टाइप है इसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी। इसोफेगस गैस्ट्रिक रीजन और ड्यूडेनम रीजन, इन तीनों को इस कैमरे की सहायता से विजुलाइज करते हैं। एंडोस्कोपी प्रोसीजर में बेसिकली होता क्या है, डॉक्टर एक कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने लेंस लगे वायर को माउथ के थ्रू इंसर्ट करता है। ये कैमरा माउथ, इसोफेगस, स्टमक और फिर ड्यूडेनम तक जाता है और वहाँ पर देखता है कि कहीं पर किसी तरह का अल्सरेशन, इरोशन तो नहीं, अगर है तो उसे डिटेक्ट करके तुरंत बता देता है। यही प्रोसीजर है एंडोस्कोपी। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हम कुछ जनरल चीज़ों को ध्यान रखेंगे, उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट और फिर सर्जिकल मैनेजमेंट भी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट एंड ब्लेंड फीडिंग। जब कभी भी पर्सन में ये कंफर्म हो जाए कि पर्सन को पेप्टिक अल्सर है तो आपको उसे स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील देनी है। स्मॉल फ्रीक्वेंट, थोड़ा थोड़ा खाना कई बार चाहे वो खा सकता है, एक साथ उसे सारा पेट भर भोजन नहीं देना है। ब्लेंड फीडिंग या ब्लेंड डाइट का मतलब क्या होता है, ऐसी डाइट जो कि सॉफ्ट हो, पकी हुई हो, स्पाइसी ना हो और फाइबर्स कंटेंट कम हो, ऐसा भोजन या ऐसा फूड ब्लेंड डाइट के अंतर्गत आता है। और अवॉइड ऑल रिस्क फैक्टर्स, अपन ने जो प्रीवियसली रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे जैसे कि अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग आदि, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। और नेक्स्ट आता है प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट एंड रिड्यूस स्ट्रेस। हम पर्सन के अंदर पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए पर्सन को कहेंगे कि आप पूरी नींद लीजिए, एडिक्वेट अमाउंट में रेस्ट करिए और जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहिए। आप चाहें तो पर्सन को मेडिटेशन के लिए एनकरेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट ड्रग की, हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इट डिक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन द H2 रिसेप्टर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स पर हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं ये दवाइयां, जिसकी वजह से
गैस्ट्रिक जूस कम सिक्रीट होगा और ऐसा करके हम पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करते हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं रेनिटिडिन और सिमेंटिडिन। रेनिटिडिन मोस्टली आप अच्छे से जानते होंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। पेप्टिक अल्सर्स के ट्रीटमेंट में जो नेक्स्ट ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं वो है प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की ड्रग्स। इट सप्रेसेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स यानी PPI गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को सप्रेस करती हैं। इनके एग्जांपल हैं पेंटाप्राजोल और ओमेप्राजोल। हॉस्पिटल सेटिंग्स में क्लिनिकल प्रैक्टिस करने वाले सभी लोग पेंटाप्राजोल को बहुत अच्छे से जानते होंगे। बहुत ही अच्छी दवा है। आप सभी इसकी डोज के बारे में भी जानते होंगे, 40 mg इसकी डोज होती है। नेक्स्ट ड्रग आती है एंटासिड्स। इट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। स्टमक के अंदर पहले से मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स दिए जाते हैं। इनके एग्जांपल है मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, और सेकंड आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने हेतु एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट में जो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स थी हमने उनके बारे में आपको बताया। अब बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट की आवश्यकता कब पड़ती है? जब पर्सन में दवाइयाँ अपना असर दिखाना बंद कर दें या फिर अल्सर वाली साइट पर परफोरेशन हो जाए, उस सिचुएशन में हम सर्जिकल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वेगोटॉमी। सर्जिकल डिवीजन ऑफ वेगस नर्व टू एलिमिनेट वेगल स्टिमुलेशन। वेगस नर्व का सर्जिकल डिवीजन वेगोटॉमी कहलाता है। हम जानते हैं कि वेगस नर्व के स्टिमुलेट होने से ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है और इससे पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। सर्जिकल मैनेजमेंट में नेक्स्ट आता है गैस्ट्रेक्टॉमी। गैस्ट्रेक्टॉमी में स्टमक को हम निकाल देते हैं। गैस्ट्रेक्टॉमी के अंदर हम स्टमक को सर्जरी द्वारा निकाल देते हैं और ईसोफेगस को हम ड्यूडेनम से अटैच कर देते हैं। अगर ईसोफेगस स्टमक निकलने के बाद ड्यूडेनम से अटैच करते हैं तो प्रोसीजर कहलाता है ईसोफेगो ड्यूडेनास्टॉमी, और यदि ईसोफेगस को स्टमक के रिमूवल के बाद जेजुनम पार्ट से अटैच किया जाता है तो ये कहलाता है ईसोफेगो जेजुनोस्टॉमी। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर आता है एंट्रेक्टॉमी, गैस्ट्रिक रिसेक्शन। एंट्रेक्टॉमी को हम गैस्ट्रिक रिसेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इट इज रिमूवल ऑफ लोअर हाफ ऑफ स्टमक। एंट्रेक्टॉमी प्रोसीजर में हम स्टमक का लोअर हाफ पार्ट रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आता है बिलीरोथ फर्स्ट, इसे हम गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टॉमी भी कहते हैं। रिमूवल ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक एंड रिमाइंडर ऑफ स्टमक इज अटैच टू द ड्यूडेनम। बिलीरोथ 1 के अंदर हम क्या करते हैं, स्टमक का जो डिस्टल वाला पार्ट है, दूर वाला हिस्सा है, उसे हटा देते हैं, कट कर देते हैं और रिमेनिंग स्टमक पार्ट को ड्यूडेनम से अटैच्ड कर देते हैं। इसे हम बिलीरोथ 1 कहते हैं। नेक्स्ट आता है बिलीरोथ 2। इस प्रोसीजर को हम गैस्ट्रोजेजिनोस्टॉमी के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ पार्शियल गैस्ट्रेक्टॉमी
विथ रिमाइंडर अटैच टू द जेजुनम। इसमें हम ये भी एक पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी का पार्ट है जिसमें रिमेनिंग पोर्शन को जेजुनम से अटैच किया जाता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पाइलोरोप्लास्टी। एनलार्जमेंट ऑफ द पाइलोरस टू प्रिवेंट पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। स्टमक का लोअर पोर्शन जो कि ड्यूडेनम से अटैच रहता है वहां पर पाइलोरिक स्पिंक्टर पाया जाता है, पाइलोरस जगह पाई जाती है। इस जगह पर एबनॉर्मल सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, मैचुरेशन हो जाता है। इस वजह से ये रास्ता बहुत नैरो ओपनिंग हो जाती है यहाँ पर, तो फूड इजीली वहां से पास नहीं हो पाता। इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए उस पाइलोरस पार्ट को एनलार्ज किया जाता है और ये प्रोसीजर पाइलोरोप्लास्टी कहलाता है। इन सारी सर्जरीज के बाद पर्सन के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले है डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब है रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक। ये सभी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सो बी अटेंटिव। नेक्स्ट, आफ्टर सर्जरीज ब्लीडिंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन। यू ऑल्सो नो दैट विटामिन B12 डिफिशियंसी दैट कॉजेस परनीशियस एनीमिया। पर्सन में विटामिन B12 की डेफिशियंसी हो जाती है जिसकी वजह से परनीशियस एनीमिया डेवलप हो सकता है। आफ्टर सर्जरी हमें पेशेंट का ख्याल रखना चाहिए और डायरिया में ऑल्सो भी रिपोर्टेड बाय द पेशेंट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिविजन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।